नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ रोज़ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर शेयर करने के लिए आई हूँ। ये टाटा सेंचुरी है और ये आपका गर्मी में रुकता नहीं है, ये फ्लावरिंग करते रहता है। एक आपका ये दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका देसी गुलाब जो है वो भी आपका पूरे साल फ्लावरिंग करता है, भले ही फ्लावर थोड़े छोटे आ जाते हों। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वह है कि आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मेरे प्लांट में स्केल्स आ गए हैं, एफिड है या थिप्स है, बग्स है, मॉथ है, स्पाइडर माइट है, मिली बग है, ये सब लग जाते हैं, गार्डनर की ये परेशानी होती है। तो इसमें ऑर्गेनिक क्या क्या चीज़ हो सकता है जो हमारे किचन से, हमारे घर से निकल जाए और उसका उपयोग करके हम इनको दूर रखें। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको नीम ऑयल शेयर करना चाह रही हूँ। नीम ऑयल का उपयोग हम सभी करते ही हैं और इसका उपयोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच डालकर थोड़ी सी चुटकी भर आप उसमें सर्फ भी मिला दो ताकि वो चिपक सके, और इस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरे जगह पर हम लोग आते हैं तो सिट्रस ऑयल है, उसका उपयोग भी हम लोग एंट को, चींटी जो चींटियाँ लग जाती हैं उनको भगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब आते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं ऑरेंज का जो सिट्रस ऑयल है, उसमें सॉप, लिक्विड सॉप आप जो यहाँ देख रहे हो, साथ ही उसमें 5 लीटर पानी में मिलाकर थोड़ी सी पानी को सुसुम कर और उसमें मिला दोगे तो आपके स्लैक्स और एंट जो है वो भाग जाएंगे। दोस्तों, अब इसके बाद मेरे पास इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर दूं कि आपके पास यदि यूकिलिप्टस का ऑयल हो तो उससे आपकी बी, फ्लाई, वेब्स, ये सब जो दिखते हैं आपके के पास, तो वहाँ 1-2 बूंद अगर आप डाल देते हो तो वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद दोस्त आते हैं हम 6 नंबर पर, इसमें आता है आपका ओनियन, गार्लिक, साबुन जो सोप, इसके बाद या उसकी जगह पर आप सर्फ ले सकते हो। तो इसमें आपको 5 लीटर पानी में 1 प्याज को, 1 लहसुन के पूरे को और सर्फ के 1 चम्मच डाल दोगे और 5 लीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो वो आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड 1 नंबर का तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, अभी तो समाप्त हो गया, मेरे पास है नहीं, गुलदावरी के जो फूल होते हैं वो भी बहुत अच्छे पेस्टिसाइड हैं। अब अगली बार से आप गुलदावरी के फूल को सूखने के बाद फेंकेंगे नहीं, काट कर रख लेंगे और उसका उपयोग करेंगे पेस्टिसाइड के रूप में। कैसे करेंगे? तो सूखे हुए जो फ्लावर होंगे वो 100 ग्राम लेंगे, 1 लीटर पानी में 20 मिनट तक उबालेंगे। अगर आपके पास नीम ऑयल हो तो 1 चम्मच नीम ऑयल भी आप डाल दे सकते हैं, इससे आपके जो व्हाइट फ्लाई हैं, मच्छर हैं, वो सब जो कीड़े रहते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं 7 नंबर पर, तो वो है आपका टोबैको। मेरे पास अभी नहीं बचा हुआ था, ये पत्ते अब मेरा समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा बचा था तो मैं इसे शेयर कर दे रही हूँ। टोबैको का पत्ता, डंठल, जो भी आपके पास हो, अगर नहीं हो तो सिगरेट वगैरह में से निकाल कर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये इससे क्या है, आपका कैटरपिलर, एफिड, मिलीबग, ये सब आपका भाग जाएगा। दोस्तों, इस पर मेरी अलग से वीडियो होगी टोबैको वाली, आप उसको भी वॉच कर ले सकते हो कि कैसे मैंने उसको तैयार की है। तो ये इसको आपको 24 घंटे तक पानी में रखना है
और उसके बाद पानी का रंग ब्राउन हो जाएगा, फिर उस पानी को आपको 5 लीटर में मिला लेनी है और आप उसके बाद उपयोग करोगे। दोस्तों अब आते हैं यहाँ मिर्च पर। मिर्च लाल मैंने यहाँ रखी है, लाल या हरी मिर्च, इसका भी घोल आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल कर 1 चम्मच उसमें सर्फ मिला दो और उसका उपयोग आप स्प्रे वाले में डाल कर करो, तो वो भी आपका सारे पेस्ट वगैरह से आपको छुटकारा दिलवाएगा। दोस्तों अब 10 नंबर पर आते हैं, जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो है आपका बियर। बियर का उपयोग भी आप पेस्टिसाइड के रूप में कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद 11 नंबर पर आपका है अल्कोहल, उसको भी आप जहाँ पर आपके स्नेल वगैरह आते हों वहाँ पर भी उसका उपयोग कर सकते हो। दोस्तों 12 नंबर पर मेरा सबसे मतलब मैं सबसे ज़्यादा उपयोग जो करती हूँ वो आपको शेयर कर दूँ। 12 नंबर पर है गौमूत्र, मैं इसका बना कर रखती हूँ और जो कुछ मैंने उपयोग करने हैं उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप मेरी गौमूत्र वाली पेस्टिसाइड वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, तो उसका उपयोग भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 13 नंबर पर कनेर, कनेर का फूल जो होता है उसका भी पेस्टिसाइड मैंने बनाकर चेक आपको शेयर की हुई है, उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन उसमें सेफ्टी यही रखनी है कि आप अपनी सब्जी और फल में उसको नहीं डाले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके बाद 14 नंबर पर आपका धतूरा है, धतूरा का प्लांट भी मैंने इस पर भी वीडियो आपसे शेयर की है धतूरा की, वो भी बहुत फायदेमंद है, उसका भी आप पेस्टिसाइड के रूप में उसके सीड्स का पत्ते का उपयोग कर सकते हो, उबाल कर उसके पानी को आप छिड़काव कर सकते हो। दोस्तों अब आते हैं 15 नंबर पर वाइट विनेगर, वाइट विनेगर अगर आपके पास हो तो उसमें भी 1 चम्मच 1 लीटर में मिलाकर आप उपयोग करोगे तो आपका जो कंप्लेन होता है कि मेरे पॉट में चींटी आ गई है वो चींटियां भाग जाएगी। दोस्तों अब 16 नंबर पर मैं आपको शेयर कर दूं कि 1 कप लिक्विड सोप, जो डिश वॉश होती है वो भी चलेगी या फिर आप जो हैंड वॉश है उसको भी ले सकते हो, और 4 कप पानी मिलाकर आप उसको फिर से जब अच्छी तरह से मिल जाए तो उसको उसमें आप और 5 लीटर पानी मिला लो और उसका उपयोग हमेशा करते रहो तो आपके प्लांट में पेस्ट वगैरह लगेंगे ही नहीं। दोस्तों अब आते हैं 17 नंबर पर, यहाँ आप देख रहे होंगे बासील, मेरे पास बासील का था तो मैंने एक डाल दिया यहाँ आपके पास। बासील है, रोजमेरी है, लेवेंडर का प्लांट आपके पास है तो इसके पत्ते को कुचल कर और 24 घंटे के लिए पानी में आपको छोड़ देनी है और 24 घंटे के बाद उस पानी का आपको उपयोग करने हैं तो भी आपके पेस्ट वगैरह समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आपको मैं 20 नंबर पर शेयर कर दूं कि ब्लैक पेपर, मैंने यहाँ पेस्ट रखे हुए हैं। इसके बाद मिर्ची, इसके बाद 1 चम्मच सर्फ की और गार्लिक, इतने को आप मिला लें, गार्लिक का पीस करके पेस्ट बनाकर मिलाएं और इसका छिड़काव करें तो स्पाइडर माइट पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है और स्पाइडर माइट इसके समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अब 21 नंबर पर मैं आती हूँ कि सबसे बेहतरीन पेस्टिसाइड अगर कोई है तो आपका वाटर है, पानी, हमारा पानी फोर्स के साथ जहाँ भी आपके पेस्ट वगैरह लगे हों वहाँ फोर्स के साथ पानी दे और साथ में ब्रश से
या टूथब्रश या किसी से भी कपड़े से लेकर साफ करते रहे तो ये हमारा सबसे बेहतर रहता है। दोस्तों हमारे खेत को, हमारे बगीचे में बटरफ्लाई आते रहें, बीज आती रहे, चिड़ियाँ आते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही उपयोग करें। और इसमें मैंने आपको 20-21 मैंने जो मेरे पास जानकारी थी मैंने शेयर कर दी है, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मैं चलूँगी, आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।